हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जेफ शमसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा वोल्टास एयर कंडीशनर में E5 का एरर क्यों आता है, साथ ही उसका सलूशन भी बताऊंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। वोल्टास एयर कंडीशनर में E5 का एरर जब आता है, जब इसके इंडोर की फैन मोटर के अंदर कोई इशू आ जाए। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर ब्लोअर आपको दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में, ये ब्लोअर अगर जाम चल रहा हो या ना चले इसकी निशानी है, क्योंकि फैन मोटर आप तो खोल कर देख नहीं सकते, तो सिंपली इस ब्लोअर से आप देख सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होगा या जैम चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, तो E5 का एरर इंडोर के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी फ़ैन मोटर जैम चल रही हो तो उसको आप ग्रीसिंग या ऑयल करके फ्री करवा सकते हैं, और अगर उससे भी ना हो तो आपकी फ़ैन मोटर जो एसी की है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, जिसकी वजह से E5 एरर आता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको फ़ैन मोटर रिप्लेस करना पड़ेगी, नई मोटर लगाएंगे तब ये एरर दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों को भी चेक करें। बाज़ात होता ये है कि फ़ैन मोटर के जो वायर होते हैं कनेक्ट होते हैं PCB कार्ड के साथ, उसके अंदर कोई इशू आ जाए, वो वायर ब्रेक हो जाए, तो फ़ैन मोटर को सिग्नल नहीं मिल रहे होते, वो ऑन नहीं होती, जिसकी वजह से E5 का एरर आना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि E5 का एरर क्यों आता है वोल्टास एयर कंडीशनर में। वीडियो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।